स्पेन में गालापागोस द्वीपों का समूह है जो ज्वालामुखी के विस्फोट से पैदा हुआ है। गालापागोस मशहूर है दुनिया के सबसे बड़े कछुए की प्रजाति के लिए। 100 किलोमीटर लंबे यहाँ के सबसे बड़े द्वीप आइला इजाबेल को कई मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। सुबह के 5 बजे कैलिफोर्निया की खाड़ी में आइला इजाबेल से कुछ 1 किलोमीटर दूर एक समुद्र जीव विज्ञानी ने इस इलाके को कभी दुनिया का एक्वेरियम कहा था। हम इस द्वीप पर निर्भर हैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा और मैं, मेरा पूरा परिवार। यह द्वीप बहुत ही समृद्ध है। असली जिंदगी की तरह कभी अच्छे और कभी बुरे दिन तो लगे रहते हैं, लेकिन हम इसके साथ जी रहे हैं। वे 60 किलोमीटर दूर मुख्य भूमि से आते हैं। जब वे टूर पर होते हैं तो रात भी द्वीप पर गुजारते हैं। मछलियों के व्यावसायिक पैमाने पर शिकार के कारण और हमारी छोटी नावों के कारण भी मछली पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है। पहले हमारे पास 2-3 जाल होते थे, अब हम 5 जाल साथ लाते हैं। ये द्वीप ज्वालामुखी विस्फोट से पैदा हुआ। पिछले 15 साल से ये संरक्षित इलाका है। यहाँ की जैव विविधता की ख्याति मेक्सिको की सीमा से बाहर तक है। यहाँ सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 10,000 समुद्री पक्षी रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन के रिसर्चर मेक्सिको के नेशनल पार्क अधिकारियों के साथ मिलकर द्वीप के आसपास के समुद्री इलाके की भी सुरक्षा करना चाहते हैं। यहाँ पूरे इलाके में सबसे ज्यादा मछलियों का भंडार है। मजेदार बात यह है कि यहाँ कैलिफोर्निया की खाड़ी और कोस्टा रिका या दूसरे देशों से आने वाली ट्रॉपिकल लहरें मिलती हैं। ये जैव विविधता के विकास के लिए अभूतपूर्व है। लेकिन इसे बरकरार रखना चुनौती भरा है। वैज्ञानिक द्वीप के आसपास के समुद्री इलाके में मछली मारने पर पूरी तरह रोक लगाना चाहते हैं। नए जीवों को आकर्षित करने के लिए जीव विज्ञानियों ने कृत्रिम रीफ बनाई है। गोताखोरी कर वे जांच कर रहे हैं कि कोई फायदा हुआ है या नहीं। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, सब कुछ ठीक से डेवलप कर रहा है। वहाँ नई एल्गी है, पड़ोस में रेतीले इलाके के मुकाबले कहीं ज्यादा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं। हमारा मकसद पूरा हुआ है। अचानक शार्क का दौरा। द्वीप के आसपास का इलाका उसके लिए खाने पीने की अहम जगह है और वह वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का केंद्र। द्वीप का छोटा हार्बर। यहाँ पक्षियों का कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं है। यहाँ कम ही लोग पहुँचते हैं और जो आते हैं उन पर पंछी भरोसा करते हैं। उल्लू और फ्रिगेट पक्षी यहाँ अंडे देते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं। यहाँ भरपूर खुराक है। नेशनल पार्क के डायरेक्टर काफी समय से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि द्वीप के आसपास मछलियों का शिकार बंद हो। सिर्फ द्वीप की सुरक्षा काफी नहीं है, हमें उसके आसपास के समुद्री इलाके की भी रक्षा करनी होगी ताकि द्वीप पर जीवन की रक्षा हो सके। हमें मछलियों का भंडार बचाना होगा ताकि पंछियों को भविष्य में भी आहार मिल सके। मछुआरों के लिए भी पर्याप्त होना चाहिए ताकि वे अपना उत्पादन बढ़ा सकें। इस मकसद के लिए वैज्ञानिक मछुआरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्हें भी अब भरोसा हो चला है कि द्वीप के आसपास के इलाके का संरक्षण जरूरी है। मैं समझता हूं कि हमारी प्रेरणा ये होनी चाहिए कि हमें मछली पालन उद्योग को भावी पीढ़ियों के लिए बचाना है।
मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा भी मछुआरा बने। यदि यहां से एक को जाना होगा तो हम सबको जाना चाहिए। यदि कभी पंछियों को यहां आहार नहीं मिलेगा तो वे भी यहां से चले जाएंगे और गजब की जैव विविधता से भरे द्वीप में वीरानगी पसरने लगेगी।